अब आज लगाएंगे नया लुक गाड़ी का, आज एक नया लुक निखर के आएगा। अभी लगाएंगे ग्रिल जो हमने मंगाई थी, सरप्राइज है, अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कैसी है वो। वीडियो बने रहे लास्ट तक। और भाई ऐसा लुक आपने शायद ब्रीजा का देखा भी ना हो जैसा आज हम लोग करवाएंगे। ये अपना पंपर निकाल लिया बाहर, अब इसमें अपनी जाली किस लिए खोल रहा है मेरी समझ से तो बाहर है। चलो देखते हैं क्या करता है भाई। तो भाई देखो हो गई फिक्स, और अभी थोड़ा ऊपर का रह रहा है जहाँ से ऊपर नट लगेंगे, तो इसको भी काट रहे हैं भाई, वहाँ पे ज़्यादा मोटा हो रहा है इसलिए इसको लगा नहीं रहे, इसको काट के लगा रहे वरना बम्पर से टूट जाएगी। तो चलो अभी लास्ट में दिखाऊंगा उसका फाइनल लुक। तो भाई जैसे कल मॉडिफिकेशन कराया था हमने, ग्रिल लगवाई है और चलो अभी इंस्टॉल होगी, और अभी आज मैं कल शाम हो गई दिखा नहीं पाया, तो आज अभी दिखाता हूँ आपको कैसा हुआ फाइनली लुक क्या है निकल के। और भाई लुक कैसा आया कि वन इन इंडिया होगी, आपने पहले देखी कि नहीं शायद एक दो गाड़ी में देखी भी हो, बट इसमें लग के और ज़बरदस्त लगी। और दूसरी बात यह है वो 2016-17 मॉडल में लगती थी, तो ये 22 मॉडल है 21-22, तो इसके लिए नहीं बनती, पर फिर भी हमने वो फिक्स करा दी इसमें जैसे काट फिट करवा के, और जिस भाई ने लगाए वो भी बढ़िया करके लगाए उसने काफ़ी। तो भाई लो गाड़ी का दिखाते हैं आपको फाइनल लुक, ये देखो भाई कैसा लुक आया निकल के, ये देखो सामने से आया ना मस्कुलर। अभी जो इसका लोगो है ये वाला, ये भी बदलवाएंगे यहाँ पर, टाइगर का कहीं का लगवाऊंगा मैं, अभी दिखाया जाएगा, बट ठीक है। और इसके अंदर हमने ग्रिल लाइट भी लगवा दी जो हमारी पहले उस ग्रिल में थी ये रही, और जो अंदर इसकी ग्रिल थी मारुति वाली वो दिखाऊंगा आपको, वो उसने निकाल दी क्योंकि, बट फिर इसके ऊपर फिक्स नहीं आता, आने को आ भी जाता पर बनती नहीं बात क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। और लुक देख सको आप भाई कैसा आया, ये देखो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 2016 में फिक्स होगी, ये भाई 21-22 में मैंने लगवा दी, थोड़ा थोड़ा साइड से देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये वो बम्पर दूसरा है ना पहले वाले का, तो इसलिए फिक्स नहीं आया, बट पता नहीं चलता इसका, एस टू एस फिट हो गया ये देखो, एक यहाँ हल्का से इसमें पैंच लगा है ये बोल्ट, एक यहाँ पे ये रहा, ये दिख नहीं रहा इतना, एक यहाँ पे इधर देख लो इतना फिक्स हुआ है,
ये देखो भाई, ये नट लग रहा है, दिख भी रहा होगा आपको, क्योंकि भाई इस मॉडल की लेनी थी ना ये। बट हाँ, वैसे हर जगह से बिल्कुल सेट आई, ऐसी नहीं कि भाई कहीं कहीं से ऐसा कुछ नहीं है, साइडों से भी तो कोई इतनी बुरी नहीं लगती। ये देखो, और सामने से यहाँ से देखो, बिल्कुल वेस्ट टू वेस्ट है, देखो कोई गैप नहीं है। ये तो मैं बोनट खोल रखा अभी, ये देखो खुल रहा है अभी बोनट, दिखाता हूँ अंदर कैसे हुआ। तो भाई ये देखो, ये इसके साथ प्लेट आती है बड़ी पूरी ये, तो ये क्या भाई ने काट दिया यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ तक की थी, वो भी यहाँ तक आती, फिर क्या है डबल ये काटनी पड़ती नहीं हमें फिर अपनी ओरिजिनल वाली। तो हमने ओरिजिनल वाली ना कटवा के ये कटवा दी, क्योंकि इसकी अगर यहाँ पूरी इसके ऊपर ही लगा के इसको भी नट लगाते हैं यहाँ पे दोनों का, तो मोटा हो जाना था फिर ये हिस्सा यहाँ से दुगुना, फिर ये बोनेट नहीं लगता यहाँ पे, लग के फिर भाई ये टूट जाती है वाली। तो यहाँ से हमने कटवा दी इतनी, इसके ऊपर यहाँ तक बोनेट आता है, ये अपना बाहर सो के लिए, और स्पेस भी नहीं रहा कुछ, तो बढ़िया फिक्स होगी। तो देखो भाई एक बार, लोग देखो आप गाड़ी को साइड से देख लो, जैसे तुम्हारी बड़ी बड़ी ग्रिल का आजकल क्रेज चल रहा है, क्रेटा प्रेटा वेन्यू में सेम वही। वो तुम्हें दिखाता हूँ वो ग्रिल, चलो इसको करते हैं बंद। और भाई मोटिवेशन बताइए, थोड़ा सा टाइट बंद हो गया, बंद। और अब देखो भाई बिल्कुल कहीं जगह नहीं दिखेगी आपको, इधर से देखो, ये देख सको आप गाड़ी का, और ये बोनेट काला हो रहा है ना थोड़ा से, वो शो बन रही इसकी, ये देखो। तो भाई दिखाता हूँ आपको, जो मैं सीरीज जस्ट की मतलब ग्रिल है वो निकली है, ये इसका जो ग्रिल जो मारुति सुजुकी वाली आती है, ये हमेशा निकलवा के देख रही थी, अलग इसलिए कराया कोई जरूरत नहीं थी, मैं कि जो इन पार्ट को लगा दे ये और लगी रहने दे उसके अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर भी लग रही थी ना लाइट पहले हमारी यहाँ पे, तो उस भाई ने बोला कोई जरूरत नहीं इसे लगाने की, इसे भी ऐसे ही रहने दो बाहर ही, और वो लाइट उसने दूसरी फिक्स कर दी, इसके अंदर एक और ग्रिल होती है पीछे, तो ठीक है। अब ये परमानेंट अपना पड़ी है, रख देंगे ना उधर, ये मैंने रैप कराई थी, ये देखो रैप हो रही है, ये ओरिजिनल ग्रिल है इसकी। तो भाई लो आप देख सकते हो भाई फाइनल लुक कैसा निकल के हमारा, पहले वाली ऐसी थी और अभी वाली ऐसी, भाई आप खुद देखो भाई लुक कैसा मस्कुलर लग निकल के आ रहा है, भाई सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई मुझे तो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। राम राम, जय हिंद।